बारे में, वचन किसे कहते हैं और वचन के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने तीन वचन की बात की थी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। आज हम देखिए अगर शब्द कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। तो देखिए आज हम बात करेंगे अकारण पुल्लिंग शब्दों की। अकारण पुल्लिंग अगर शब्द किसका हो, पुल्लिंग का हो, यानी पुरुष जाति का बोध, यानी कोई पुरुष बोल रहा है। तो देखिए शुक, बार्ह, वृक्ष, छात्र, गज, तो ये पांच है। देखिए तो हम पहले शुक को चेंज करते हैं, तो एक वचन में क्या लिखते हैं शुक को, शुक, फिर द्विवचन में शुको और बहुवचन में शुक, शुक को क्या